नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मरुआ। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मरुआ एक ऐसा पौधा है जो बहुत सारी बीमारियों का जो है उसे वो ख़त्म कर देता है। किस तरह से लेना, कैसे लेना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे भी दबाएं और सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को जो है ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मरुआ बहुत ही बढ़िया औषधि है, बहुत सारी बीमारियों का जो है इलाज होता है। कैसे होता है, कैसे लेना है, क्या लेना है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। शीरसूल, जी हाँ दोस्तों, अगर सर में दर्द है तो मरुआ के ताज़े पत्तों को पीसकर अपने सर पे लगा लें, मस्तिष्क पर लगाएं तो जो सर का दर्द है यानी शीरसूल का शमन जो है होगा। पोटकी, जी हाँ, मरुआ और लहसुन के रस को मिलाकर एक से दो बूंद नेत्र में डालने से आँखों में फ़ायदा होगा। नेत्र रोग, मरुआ पत्र स्वरस से पलाश बीज चूर्ण को भावित कर अंजन करने से आँखों में जो सूजन आ जाती है वो ठीक हो जाती है। मरुआ पत्र का जो स्वरस 2 से 3 बूंद को कान में डालें, इससे जो है कान का जो दर्द है, जो अगर आपके कान में दर्द होता है तो उससे आपको राहत मिलेगी। बहुत ही आसान तरीका है, खाली आपको जो है मरुआ का जो है आपको रस निकालना है और कान में डालना है 2 से 3 बूंद। 5 मिली मरुआ पत्र यानी मरुआ के पत्ते स्वरस में संभाग मधु मिलाकर सेवन करने से कांस में लाभ होता है, यानी कि मधु यानी कि शहद और जो है मरुआ पत्र, इन दोनों को मिलाएं और मिलाकर सेवन करने से कांस में लाभ होता है। 5 से 10 मिली मरुआ मूल स्वरस का सुबह शाम सेवन करने से क्षय रोग यानी कि टीवी से आपको जो है राहत मिलेगी। तो आप 5 से 10 मिली जो है मरुआ मूल स्वरस यानी कि जो मरुए का जो मूल होता है उसको अगर रस पियेंगे तो आपको जो है टीवी से राहत मिलेगी, जल्दी टीवी आपका ठीक हो जाएगा। उधर गत कृमियों का शमन होता है, अगर पेट में अगर कृमि है तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उदरशूल, अगर उदरशूल है तो 4 ग्राम मरुवक पत्र यानी कि मरुआ पत्र तथा बीज चूर्ण को सुबह शाम उष्णोदय के साथ देने से उदरशूल में लाभ होता है। अर्थार्थ कहने का मतलब ये है कि 4 ग्राम मरुआ पत्र तथा बीज का चूर्ण जो है सुबह शाम आपको उष्णोदय के साथ यानी कि सुबह सुबह लेना है आपको और शाम को लेना है तो आपके जो उदर में जो शूल होता है उससे आपको राहत मिलेगी। प्रवाहिका, मरुआ तेल को पेट पर मलकर स्वादेन करने से तीव्र प्रभावित में लाभ मिलता है, यानी कि आपको अगर दर्द दे रहा है बहुत तो इससे जो आप लगाइए इसको आपको राहत मिलेगी। विबंधन, मरुआ का 20 से 40 मिली फॉन्ट बनाकर देने से विरेचन होकर विबंध का शमन होता है। मासिक विकार, मरुआ के 20 से 30 मिली फॉन्ट को नियमित देने से रजविकार में लाभ होता है। जी हाँ, जिनको मासिक धर्म से संबंधित बीमारी है वो मरुआ के 20 से 30 मिली जो फॉन्ट को नियमित रूप से लें इससे राहत मिलेगी। गठिया, अगर आप गठिया से परेशान हैं तो मरुआ के पंचांग
का क्वाथ बनाकर 20 मिली मात्रा में दिन में 3 बार पीने से गठिया में आपको राहत मिलेगी। पंचांग लेना है दोस्तों, और पंचांग का क्वाथ बनाकर 20 मिली ग्राम दिन में 3 बार लेना है, जिससे गठिया से आपको राहत मिलेगी। मरुआ के पंचांग को पीसकर लगाने से तत्व विकार व मोच में लाभ मिलता है। अगर आपको मोच आ गई है, दर्द दे रहा है, तो उसे तुरंत राहत पाने के लिए जो मरुआ के जो है पंचांग को पीसकर लगाएं, जहां आपको मोच आई हुई है, जहां दर्द दे रहा है, आपको राहत निश्चित मिलेगी। वात व्याधीन मरुवक, मरुवक स्वरस को वात व्याधि से पीड़ित अंग पर लगाने से वेदना व भल्ला तक जन्य शोध का शमन होता है। अर्थात जो है, जो आप जिस जगह पे आपको जो है चोट लगी हुई वात व्याधि से पीड़ित हैं, यानी कि वात से आप पीड़ित हैं, उस जगह पर जो है मरुआ के रस को लगाएं, इससे जो है आपका जो दर्द वो समाप्त हो जाएगा। मरुआ रस का लेपन करने से भल्ला तक जन्य शोध का शमन होता है। इसका रस आप जो है, या फिर जो है मरुआ की पत्ती का जो लेप बना के लगाने से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। कुष्ठ, मरुआ पत्र स्वरस का लेप करने से कुष्ठ दद्रु में लाभ होता है। अर्थात सफ़ेद दाग हो या आपको कुष्ठ रोग हो, तो मरुआ के पत्र का जो है रस का लेपन करने से आपका ये रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। नियमित रूप से आपको लगाना है। दोस्तों, मैं आप लोग से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह से ना लें। डॉक्टर के निरीक्षण, डॉक्टर के बता के लें, डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि हो सकता है आपकी उम्र और अन्य बीमारी के अलावा ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। अगर मान लो कोई बीमारी नहीं है तो आपको, तो फिर ये जो है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर कोई और बीमारी है तो किसी और औषधि के साथ आपको देना पड़ेगा। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि डॉक्टर के संपर्क में जाएँ। वेदना शोध, मरुआ की टहनी को पानी में उबालकर बफार देने से वेदना युक्त शोध और संविधान में लाभ होता है। वर्टिविश, मरीच सोट, सेधा नमक, सोट जो होता है वो चाहिए, सेधा नमक चाहिए, मरीच चाहिए, तथा 100 वर्षल नमक में मरुबक पत्र स्वरस मिलाकर लेप करने से ततैया विष प्रभाव का शमन होता है। जी हाँ, विष के लिए जो है ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। वर्टी, वर्री ततैया, दशन में सर्वप्रथम शत में दशन का निकालकर उस स्थान पर मरुवक स्वरस को लगाने से दश जयंत वेदन आदि प्रभावों का शमन होता है। अर्थात अगर आप जिस जगह पे आपको ये काटा हुआ है, तो आप उसको दंत को निकाल कर उस स्थान पर मरुआ स्वरस को लगाने से दंत में जो मतलब जो जहर है उसमें आपको राहत मिलेगी। अशुद्धि पारद सेवन जन्य विकृति, अशुद्ध पारद अथवा उसके रोग के केवल के सेवन से उत्पादन विकृति के शर्म नार्थ 6-6 ग्राम मिश्री तथा 20 मरीच मिलाकर, यानी काली मिर्च मिलाकर शीतल जल में घोलकर बनाकर पीने से आपको राहत मिलेगी। पंचांग पत्र बीज एवं तेल, मात्रा क्वाथ 10-20 मिलीलीटर, स्वरस 5-10 मिलीलीटर, या चिकित्सक के परामर्श से लें। मैंने कई बार कहा है दोस्तों, और अब भी यही कहता हूँ कि कोई भी दवा बिना चिकित्सक सलाह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र, और आपकी उम्र के हिसाब से कोई और बीमारी तो नहीं है, और कहीं आप जो गर्भवती हो या स्तनपान कराती हो, तो इन सब बातों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि डॉक्टरी सलाह से लें कोई भी दवाई। मरुआ बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दवाई है। इसको जो है आपको बता दिया किस तरह से सेवन करना है। कुष्ठ रोग में बड़ा फ़ायदेमंद है, गठिया में फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन ये है कि आपको नियमित रूप से इसका सेवन करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आप लीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है लाभ होगा। दोस्तों,
आयुर्वेदिक दवा में बहुत कम जो होता है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें कि आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करें, घरेलू इलाज का इस्तेमाल करें, इससे शरीर में जो है क्षति कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।